आज लेक्चर का आखिरी दिन था। क्लासरूम के तलबा में चैमगोइयां जारी थीं। इतने में प्रोफेसर साहब क्लासरूम में दाखिल हुए। क्लासरूम की बनबराहट आहिस्ता आहिस्ता गहरी खामोशी में बदलने लगी। देखा कि प्रोफेसर के पीछे गुब्बारे वाला ढेर सारे सुरंगे गुब्बारे लेकर क्लासरूम में दाखिल हो रहा है। प्रोफेसर के इशारे पर गुब्बारे वाले ने एक एक करके सारे गुब्बारे तलबा में तकसीम कर दिए। सर, आज वैलेंटाइन डे नहीं है, एक तालबे इलम ने जुमला कसा। सर, क्या आपकी सालगिरह है, एक और तालबे इलम बोला। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में से हर एक को मार्कर का इस्तेमाल करते हुए इन गुब्बारों पर अपना नाम लिखना है। सबने प्रोफेसर के कहने पर नाम लिख दिए। इसके बाद तमाम गुब्बारे जमा करके दूसरे कमरे में डाल दिए गए। अब प्रोफेसर ने तमाम तालबिलों से कहा कि आप सब गुब्बारों वाले कमरे में चले जाएं और अपने अपने नाम वाला गुब्बारा तलाश करें और ध्यान रहे कि कोई गुब्बारा न फटे, और आप सबके पास 5 मिनट हैं। हर कोई बदवासी के आलम में एक दूसरे के साथ टकराते हुए, दूसरे को धकेलते हुए अपने नाम का गुब्बारा तलाश करने लगा। एक अफरा तफरी का समा था। सारे गुब्बारे एक ही रंग के थे। 5 मिनट तक कोई भी अपने नाम वाला गुब्बारा तलाश ना कर सका। ये देखकर प्रोफेसर अंसारी ने कहा कि अब आपके पास 5 मिनट हैं, कोई भी गुब्बारा पकड़ लें और उसके नाम वाले शख्स को दे दें। 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे कि तमाम अफराद के पास अपने अपने नाम वाले गुब्बारे थे। प्रोफेसर अंसारी क्लास से मुखातिब होते हुए बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। हर कोई बदहवासी के आलम में अपने इर्द गिर्द खुशियां तलाश कर रहा है, ये जानते हुए कि वो कहाँ है। नौजवानों, याद रखो, हमारी खुशी दूसरों की खुशी में पिनहा है। उनको उनकी खुशी दे दे तो आपको आपकी खुशी मिल जाएगी।